Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. फिर मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? एक्शन, दैट इज द नीड ऑफ द आवर. बिग स्क्रीन फिल्म, मास एक्शन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हिटिंग इट आउट, अ टोटल बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस, यही जनता चाहती है. एंड गाइस, सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो नई फिल्म है जो कि 15 मार्च को 2024 में सिनेमा घरों में आने वाली है बड़े पर्दे पर, इसके टीजर ने यही यहां पर प्रॉमिस किया है. लिटरली स्पीकिंग, ये टीजर देखने के बाद मुझे कोई भी एंगल से ये नहीं लगा कि ये एक हॉलीवुड फिल्म से कम है. दिस इज कंप्लीटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, लिटरली बोल रहा हूं. एंड गाइज, यहां पर द एक्शन टीम ऑफ पठान, यस फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स जिसमें एक्शन बाप लेवल का था. सुनील रॉड्रिगस एंड क्रेग मैकरे, द गाइज हु क्रिएटेड एक्शन फॉर पठान, आ बैक विथ योद्धा, एंड दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मिशन इम्पॉसिबल स्टफ. मिड एयर एक्शन, यस फ्रेंड्स, मिड एयर एक्शन देखना बहुत ही एंटरटेनिंग रहता है. हमने वॉर में देखा, हमने पठान में देखा, एंड यस, द टीम ऑफ पठान, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर्स है सागर आमरे एंड स्पेशली पुष्कर ओझा, इसने वॉर में भी काम किया है एंड इसमें पठान का भी असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका है, तो जस्ट इमेजिन उनका जो एक्सपीरियंस है एंड जो टैलेंट है दो बंदों का, ये पूरा टीजर में दिख रहा है. वी आर गोना सी अ बाप लेवल फिल्म, लिटरली बोल रहा हूं. सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिस इज योर बिग टिकट फॉर द बिग स्क्रीन. एंड लिटरली दिशा पाटनी, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में दिशा पटानी को मैं एक साड़ी में देखूंगा. शी इज लुकिंग गॉर्जियस, शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल एज द एयर होस्टेस इन द साड़ी. आई मीन, मेरे को दो बार आंख मसलनी पड़ी कि भैया कोई गलत तो नहीं देख ली है. दिशा पटानी ने साड़ी, शी इज लुकिंग सो क्यूट, सो ब्यूटिफुल. एंड राशि खन्ना, द रियल क्रश, ये इतने साल से साउथ में है, अनफॉर्चुनेटली उनको क्यों हाइप नहीं किया गया. रश्मि का मनमाना तो अब भी आई है. राशि खन्ना इज ऑल्सो लुकिंग गॉर्जियस यहाँ पर, बट इट्स द एक्शन सीक्वेंसेस ऑफ योद्धा एंड जो बीजीएम. देखिए गाइस, एक मिड एयर रेस्क्यू ऑपरेशन है, ऑब्वियसली एक हाईजैक हो चुका है एंड यहां पर इंटरवीन करेंगे नर्ज एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा. सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो हाइट है, जो लॉन्ग लेग्स है ना उसके बंदे के, वो यहां पर सबसे बड़ा एक एडेड एडवांटेज लेकर आते हैं. दिस इज अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस. जिस तरह का टीजर कट किया ना, बहुत लोगों को टीजर कट करने आता नहीं है एंड यहां लोगों ने स्मार्टली टीजर कट किया है. जो मेन मनी शॉट्स है ना, वो लोगों ने टीजर में दिखा दिए. एड्रेनलिन रश, क्या एंट्री है सिद्धार्थ मल्होत्रा उस गन वन लेके, लिटरली फ्लाइंग इन द एयर, तोड़ते हुए नीचे घर के घुसते हैं. वो एक्शन सीक्वेंस था भैया, टेक अ बॉल. शाहरुख खान एंड रेड चिलीज कमिंग बैक अगेन. एंड जब आपकी फिल्म में रेड चिलीज का वीएफएक्स हो एंड रेड चिलीज का कलर हो, वो दिख जाता है कि वो रेड चिलीज है. इट स्क्रीम्स रेड चिलीज. एंड धर्मा प्रोडक्शन ने अच्छा खासा यहां पर रेड चिलीज को लेकर वीएफएक्स कड़क किया. प्लेन जो हवा में होती है ना, इतना जबरदस्त लग रही है गाइस. एंड मिड एयर एक्शन है, तो मजेदार तो एक्शन होना ही होना है. तो एक्शन सीक्वेंसेस की, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा इन द मिलिट्री आउटफिट, वो कॉम्बैट सीन्स में ब्रिलियंट. आई थिंक पार्कर भी करते हुए दिखाई दे रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा. एंड दैट सीन, सूट में एक्शन करना ना बहुत कम लोगों को सूट होता है. हमने बॉन्ड फिल्म्स में देखा है, मिशन इम्पॉसिबल में देखा है, हीरो मस्त व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट ब्लैक सूट पहन के एक्शन कर रहा है. यू नीड टू हैव अ सर्टन लुक टू इट. सिद्धार्थ मल्होत्रा इतना लवेबल लग रहा है. एक विलन का उसका वन शॉट एक्शन सीन है जो बहुत कम लोग बात करते हैं, पता नहीं क्यों उस सीन में एक्सेल्ड. एंड यहां पर प्लेन में इट लुक्स लाइक एन हॉलीवुड हीरो कमिंग एंड बैशिंग देम आउट इन द प्लेन, मिड एयर एक्शन सीक्वेंस, दैट्स द हाईलाइट ऑफ द योद्धा टीजर. टीजर में हमको सिर्फ यही रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म में और क्या क्या ऑपरेशन कर रहा है, वो मिलिट्री ऑपरेशन. एंड आई थिंक एक जगह पर व्हाइट टी शर्ट पहना है एंड पूरा एक कॉम्बैट आउटफिट पहना है. द वे ही रन्स, The way he topples without any body double in capital letters, बहुत अच्छा है. Youngsters खुद stunts कर रहे हैं अपने, topples up, hits the villain. जो Parker कर रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा यहाँ पर, वो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है देखने के लिए. The air sequences, especially the plane sequence, the mid air fight sequence, the last में जो blast दिखाते हैं, अच्छी खासी फिल्म बनाई है धर्मा प्रोडक्शंस ने यहाँ पर. एंड एक सॉलिड एक्शन एंटरटेनर लग रही है मुझे गाइस. एंड डेफिनेटली अगर ये फिल्म थ्रिलिंग हुई, अगर ये फिल्म फास्ट पेस्ड हुई, ये बॉक्स ऑफिस पर डेफिनेटली चलेगी, लंबा चलेगी. 15 मार्च को 2024 में ये फिल्म आ रही है. दिस इज माई जोन ऑफ फिल्म, दिस इज माई काइंड ऑफ फिल्म, जहां पर हीरो एक्शन करे एंड जबरदस्त मजा आने वाला है. तो हाईजैकर्स है, हाईजैकर्स वर्सेस सिद्धार्थ मल्होत्रा,
इन अ प्लेन एक्शन वो सीक्वेंस, सिद्धार्थ मल्होत्रा प्लेन के पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, टॉम क्रूज स्टफ, क्यों ना मैं अपने देश की फिल्म को अच्छा बोलूं, क्यों ना मैं बोलूं, तो मुझे अच्छा लग रहा है मेरी नजर में, एज अ व्यूअर आई कैन फील दिस गाय इज गिविंग मी इंटरनेशनल वाइब्स, आई विल से इट ऑन द फेस, एक्सलेंट, मैसिव कहूंगा। योद्धा से बहुत कम उम्मीदें थी, लेकिन ये टीजर स्पेशली जो बीजीएम पूरे के पूरे टीजर में बज रहा है ना, आई हैव फुल होप्स कि योद्धा विल बी अ मनी स्पिनर एट द बॉक्स ऑफिस, ये सरप्राइज करेगी आप लोगों को, एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा इन द सिनेमा हॉल्स, लिटरली दिस इज सुपर्ब, लिटरली, एंड फिल्म पेट्रियोटिज्म से भरी होगी, देशभक्ति की भावना जो है ये फिल्म डेफिनेटली आप में जगाएगी। अब देखने लायक ये रहेगा कि इसके ट्रेलर में और एक क्या धमाका करते हैं। एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, 4 out of 5 स्टार्स फॉर द योद्धा टीजर, जाइए एंड जरूर इस टीजर को देखिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।